हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसा टॉपिक कवर करूंगा जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हो तो क्या होता है आपका सबसे बड़ा डर? आपके शिपमेंट्स की सिक्योरिटी, राइट? क्या होगा अगर मेरा सामान क्लाइंट तक पहुंचने से पहले ही डैमेज हो गया या गुम हो गया? चाहे आप कोई सामान या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो या आपका फुल फ्लेज प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हो, आपको डर लगता है आपके गुड्स की सिक्योरिटी का। चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस एकदम नया हो या आप पहले से इस बिजनेस में हो, शिपमेंट्स की सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। जब आप अपना सामान कस्टमर को भेजते हो तब उस ट्रांजिट के दौरान कई प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट, सामान का नुकसान, सामान खो जाना, चोरी हो जाना, ट्रक में आपका माल है उसमें कुछ इशू आ सकते हैं। सोचिए, अगर ट्रक को आग लग जाती है तो आपका पूरा सामान जिसमें आपके पैसे और टाइम इन्वेस्टेड थे वो पूरा चला जाता है। और इन सब से सोचिए, आपके बिजनेस का टाइम एंड मनी दोनों का लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को इन सब से बचाना चाहिए, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। ई कॉमर्स के बिजनेस में लॉस को कैसे अवॉइड किया जाए एंड अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। मैं तथास्तु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं कनेक्शन बिजनेस चैनल पे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। भले ही आप छोटा या बड़ी मात्रा में ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हो, अपने सामान को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सिक्योर करना बहुत ही जरूरी है। रिस्क के तरीके कई हो सकते हैं, जैसे कि आग लग जाना, एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, सामान का खो जाना। इसके लिए आपको जरूरत है एक मरीन इंश्योरेंस की। अब ये इंश्योरेंस कहां से लें, कैसे लें और कौन सा बेस्ट है, आपके इस रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको ले चलता हूं पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के प्लेटफॉर्म में। पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है जो पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आता है। यहां पर आप अपने बिजनेस एंड रिस्क के मुताबिक सही इंश्योरेंस कंपेयर करके ले सकते हैं और अप टू 42% तक पैसे सेव कर सकते हैं। पॉलिसी बाजार, जिसे आप सब जानते होंगे, एक जाना माना प्लेटफॉर्म है जहां आप अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस कंपेयर करके चूज कर सकते हैं। अब पॉलिसी बाजार आपके बिजनेस से जुड़ी हर तरह की इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता है। सो गाइस, बेसिकली मरीन इंश्योरेंस में 3 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। पहला होता है सिंगल ट्रांजिट इंश्योरेंस। यह इंश्योरेंस आप तब ले सकते हैं जब आपको ओकेजनली शिपमेंट करनी होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। इस इंश्योरेंस में सिंगल ट्रांसपोर्टेशन जर्नी कवर होती है। दूसरा है एनुअल ओपन इंश्योरेंस। इसमें अगर आप एक फ्रीक्वेंट इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं तो यह आपके रिक्वायरमेंट के लिए आइडियल है, क्योंकि आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ शिपमेंट कवर देता है थ्रू आउट द ईयर। और तीसरा जो है वो है एनुअल स्टॉप इंश्योरेंस। स्टॉप इज सेल्स टर्नओवर पॉलिसी, उन बिजनेसेस के लिए जो इनलैंड ट्रांसिट के साथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। एक पॉलिसी में सब कुछ कवर हो जाता है और ये एक एनुअल पॉलिसी होता है। दोस्तों, पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे आपको कंपैरिजन भी मिलते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्रीमियम रेट्स इन द मार्केट ऑफ मरीन इंश्योरेंस विद कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। और ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस इज पार्टनर विद रीनोन्ड इंश्योरर्स इन द कंट्री। जैसे कि मैंने बताया, पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस पर कंपेयर करके आप पॉलिसी की प्रीमियम पर अप टू 42% तक कैसे सेव कर सकते हो, इसलिए एक बार इस प्लेटफॉर्म पर जाकर प्राइजेस और कवरेज चेक और कंपेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर क्लिक करें एंड पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के पेज पर आएं। जब आप इधर आ जाएंगे तो कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आप अपने लिए बेस्ट पॉलिसी को कंपेयर कर सकते हैं, पॉलिसी ले भी सकते हैं, वो भी कम से कम रेट में। 591 रुपए पर ट्रांजिट से ये इंश्योरेंस शुरू होता है। यहाँ आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम भी देखने को मिलती है जो आपके क्लेम सेटलमेंट में आपकी मदद करती है। और इसमें एडिशनल कवर भी आप ले सकते हैं एड ऑन करके, जैसे कि ब्रेकेज एंड लीकेज, जैसे कि कुछ लीकेज की वजह से या सामान टूटने की वजह से नुकसान होना, स्ट्राइक, राइट्स एंड सिविल कमीशन, जैसे कि SRCC, अगर कोई हड़ताल, धरना या कोई डैमेज हो जाता है तो उससे कोई नुकसान होता है तो उसके लिए एडिशनल कवर ले सकते हैं। दूसरा है टेम्परेचर कंट्रोल गुड्स। कोई सामान जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होना जरूरी होता है, ऐसे सामान के लिए हम ये एडिशनल कवर ले सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी भी है जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता है, तो आपको इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा। प्री एग्जिस्टिंग डैमेज और वियर एंड टियर ऑफ गुड्स, मतलब अगर सामान पहले से ही डैमेज है तो वो कवर नहीं होगा। लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट पैकेजिंग और इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इसका मतलब है कि अगर पैकेजिंग सही से नहीं करने की वजह से, गलत हैंडलिंग की वजह से अगर सामान को कोई डैमेज होता है तो वो कवर नहीं होगा। थर्ड है डैमेजेस कॉज बाय विलफुल नेग्लिजेंस और इंटेंशनल एक्ट्स। अगर इंश्योर जानबूझकर या गलत तरीके से उसने सामान को नुकसान पहुंचाया तो वो कवर नहीं होता है। लॉसेस अराइजेस ड्यू टू वॉर, न्यूक्लियर रिस्क और एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। यू नो, अगर वॉर रिस्क मतलब परमाणु जोखिम या आतंकवादी गतिविधि से कोई नुकसान होता है तो वो भी कवर नहीं होता है।
आइटम्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऑफ डेंजरस गुड्स क्लासिफाइड एज हैजार्डस मटेरियल्स। ऐसे आइटम्स या मटेरियल जो इलीगल हो या हैजार्डस मटेरियल में गिने जाते हो तो वो कवर नहीं होते हैं। सो गाइज, आप कस्टमर सर्विस को भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं आपको किसी भी प्रकार की अगर मदद चाहिए तो। दोस्तों, हमारी कोशिश हर बार यही रहती है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके बिजनेस की मदद करें, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें और अपने बिजनेस को सिक्योर करें विद पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।